Hello student, I am Dr. Samir Rastogi. Today we will discuss about folate reductase inhibitors and sulfones. Student, आज हम लोग discuss करेंगे folate reductase inhibitors and sulfones. हमने इससे पहले वाले previous video में हमने इनके बारे में थोड़ा सा discussion किया था, but मैं इनको आगे से और highlight करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही important topic है. Folate reductase inhibitor को हम anti-metabolite, anti-folate भी बोलते हैं, जिसमें दो drugs main आती हैं, trimethoprim और cotrimoxazole. एंड सल्फोन्स में हम लोग डिस्कस करते हैं डैप्सोन, जैसे कि आपके सिलेबस में मेंशन है. लेट्स डिस्कस द फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जिसको हम बोलते हैं एंटी फोलेट. डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर इज अ मॉलिक्यूल दैट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंड इज अ टाइप ऑफ एंटी फोलेट. Antifolate are a class of anti-metabolite medication that antagonize or block the action of folic acid. Folic acid primarily functions in the body as a cofactor to various methyl transferases involved in the serine, methionine, thymidine, and purine biosynthesis. Consequently, antifolate inhibits cell division, DNA-RNA synthesis, repairing mechanism, protein synthesis, and some antifolate drugs are like progonal, pyrimethamine, and trimethoprim. Student, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि mechanism action of एंटी मेटाबोलाइट और सल्फोनामाइड ड्रग्स. तो सल्फोनामाइड ड्रग्स तो यहाँ तक एक्शन शो करती है, बट जो आगे की जो डाइहाइड्रोटेरिक एसिड से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनना है, तो इसको ये इनहिबिट करती है ट्राइमेथोप्रिम. ट्राइमेथोप्रिम एक डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है, दिस वन, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में. ये आपको ध्यान रखना है कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एसेंशियल होता है डीएनए रेप्लिकेशन में. उससे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस बनते हैं, मिथ्योनिन वगैरह बनता है. ठीक है, आपके सिलेबस में मेंशन है ड्रग ट्राइमेथोप्रिम. ट्राइमेथोप्रिम जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पायरिमिडीन एनालॉग है. इसका जो आईपीएसी नेम है वो है 5345 ट्राइमेथॉक्सीफिनाइल मिथाइल पायरिमिडीन 24 डायामीन. ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर में आपके शो हो रहा है. तो ट्राइमेथोप्रिम इज एन अमाइनो पायरिमिडीन एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक हूज स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ पायरिमिडीन 24 डायामीन एंड 1,2,3 ट्राइमेथॉक्सीबेंजीन मॉइटी लिंक्ड बाय मिथाइलिन ब्रिज. ये मिथाइलिन ब्रिज होता है. ठीक है, तो ट्राइमेथोप्रिम बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपके सिलेबस में मेंशन भी है. उसको आपको ध्यान रखना है कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है, जिससे कि ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनता है. आगे के मोड ऑफ एक्शन में डिस्कस करते हैं. मोड ऑफ एक्शन में हम देखेंगे स्क्रीन पे आपके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करता है पावा और टेरिडीन. देख रहे हैं हम जिस स्ट्रक्चर में, ये दिस वन. उससे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेटेज या सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से बनता है आपका टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. और ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथ्योनिन. तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जितने भी ये आप देख रहे हैं कंटेंट बन रहे हैं डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए की बनने रिपेयरिंग में, डिपेंडिंग प्रोटीन सिंथेसिस में. तो क्या होता है, जो हमारे ट्राइमेथोप्रिम है, ट्राइमेथोप्रिम क्या करती है कि जो स्टेप होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज वाला पार्ट उसको इनहिबिट कर देती है. जैसे कि हम आगे स्क्रीन में देखेंगे, दिस वन. ठीक है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, उससे आके डीएनए रिपेयरिंग ये नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो इसका ये मैकेनिज्म है. अब तो बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ ट्राइमेथोप्रिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइमेथोप्रिम की. इसमें स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड. तो ये 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड हम लेते हैं. ठीक है, उसकी रिएक्शन होती है मेलोनोनाइट्राइल से, और उससे ये इंटरमीडिएट बनता है. उसके बाद रिएक्शन फर्दर होती है ग्वानिडीन से, उसके बाद हमें ये ट्राइमेथोप्रिम बन जाता है. देखिए, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सिंथेसिस है, ये आपको सिलेबस में मेंशन है, तो इसको आपको याद करनी है. तो 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद मेलोनोनाइट्राइड, देन आफ्टर रिएक्शन विद ग्वानिडीन, देन ट्राइमेथोप्रिम फॉर्म. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कोट्रिमोक्साज़ोल. कोट्रिमोक्साज़ोल हमने उस दिन भी डिस्कस की थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोट्रिमोक्साज़ोल एक कॉम्बिनेशन है ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथॉक्साज़ोल का.
तो ट्राइमेथोप्रेम सल्फा मेथॉक्सेजोल ऑल्सो नोन एज कोट्रिमेक्सोजोल अमॉन्ग अदर नेम इज एंटीबैक्टीरियल यूज टू ट्रीट ए वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ ट्राइमेथोप्रेम एंड वन फाइव पार्ट ऑफ सल्फा मेथॉक्सेजोल. तो ये आपका ट्राइमेथोप्रेम है ये, और आपका सल्फा मेथॉक्सेजोल है. तो इसका आपका वन पार्ट होगा और इसका फाइव पार्ट होगा. ठीक है, तो फाइव पार्ट और इसके कॉम्बिनेशन रेशियो में ये कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं कोट्रिमेक्सोजोल. तो इट इज यूज टू ट्रीट सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन एंड ट्रैवलर डायरिया एंड बैक्टीरियोसाइटल. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके. अगर हम बात करें कोट्रिमेक्सोजोल, इसमें सल्फा मेथॉक्सेजोल और आपका ट्राइमेथोप्रेम होता है. तो सल्फा मेथॉक्सेजोल क्या करता है, टेरिडीन पावा ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसे हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, जिससे डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा. और उसके साथ कॉम्बिनेशन में जब ट्राइमेथोप्रेम भी होता है, तो ट्राइमेथोप्रेम कहाँ एक्ट करता है, इस जगह डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में. तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में अगर हम देखें तो ये फिर ट्राइमेथोप्रेम आ गया. ठीक है, उससे क्या होगा, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, इससे डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा और डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी. ठीक है, तो ये बैक्टेरियोस्टेटिक एक्शन दिखाएगा. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज सल्फोन. सल्फोन में हमने पहले भी डिस्कस करा, लेकिन मैं यहाँ फिर से डिस्कस करना चाहूंगा कि इसमें सल्फोन इज अ केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग सल्फोनाइल फंक्शनल ग्रुप अटैच टू टू कार्बन एटम द सेंट्रल हेक्सावेलेंट सल्फर. ये हेक्सावेलेंट सल्फर है, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, जगह छह बॉन्ड है. तो हेक्सावेलेंट सल्फर एटम इज डबल बॉन्डेड टू ईच ऑफ द टू ऑक्सीजन. ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आइटम है एंड हैज अ सिंगल बॉन्डेड टू ईच कार्बन, इस कार्बन से सिंगल बॉन्डेड. तो ये सल्फोन मॉइटी कहलाती है. वहां हमने सल्फोन अमाइड की थी, जिससे इसमें एनएच टू ग्रुप भी जुड़ा होता है, यहाँ पर केवल सल्फोन मॉइटी है, जिसमें एक एग्जाम्पल है आपके जो मेंशन है, वो है डैप्सोन. तो डैप्सोन का ये स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर. इसका फोर फोर अमाइनो फिनाइल सल्फोनाइल एनिलीन, ये मॉइटी है. ठीक है, इट इज अ सल्फोन दैट इज डाई फिनाइल सल्फोन इन विच हाइड्रोजन एटम एट द फोर पोजिशन ऑफ ईच ऑफ द फिनाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाई एन अमाइन ग्रुप. ये अमाइन ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है जैसे हम अभी पढ़ते आ रहे हैं कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पावा. डैप्सोन इनहिबिट डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेसिस एन एंजाइम इंपॉर्टेंट टू फोलेट सिंथेसिस रिजल्टिंग इन द डिप्लीशन ऑफ फोलेट पूल एंड रिडक्शन द अमाउंट ऑफ थायमिडीन अवेलेबल फॉर डीएनए सिंथेसिस. ठीक है, यूजेस का बेसिकली हम यूज करते हैं लेप्रोसी में, एंटी लेप्रोटिक एजेंट है, ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है रिफैम्पेसिन और क्लोफाजामिन के साथ लेप्रोसी ट्रीटमेंट में. और इसके अलावा ये ट्रीटमेंट में निमोसाइटिस या निमोनिया लाइक इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है. अब हम बात करेंगे इसके सिंथेसिस की, जो मेंशन है, दिस द सिंथेसिस. इन दिस वन क्लोरोफोर नाइट्रोबेंजीन इज रिएक्ट विद सोडियम सल्फाइड. After that, formation of 4,4-dinitrophenyl sulfide, this one, ठीक है. उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट और SO4 के प्रेजेंस में क्या बनेगा, 4,4-dinitrophenyl sulfone, सल्फर के ऊपर सल्फोन मॉइटी ऐड हो जाएगी. ठीक है, फिर उसके बाद रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड, तो ये NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, तो हमें मिल जाएगी 4,4-diaminophenyl sulfone, दैट इज डैप्सोन. दिस वन इज डैप्सोन. तो ये सिंथेसिस है. स्टूडेंट्स, आपको ये क्लोरो कोट्रिमेक्सोजोल, ट्राइमेथोप्रेम और डैप्सोन की जो सिंथेसिस मेंशन है, ट्राइमेथोप्रेम और डैप्सोन की याद करनी है, इनके मोड ऑफ एक्शन को याद करना है. थैंक यू.